रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 5 महीने से जारी है। इस युद्ध का असर इन दोनों देशों के अलावा बाकी दुनिया पर भी पड़ने लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये युद्ध खत्म कब होगा। इस सवाल के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जब तक यूक्रेन युद्ध में हारे हुए क्षेत्र को वापस नहीं ले लेता, तब तक युद्ध विराम नहीं हो सकता। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ संघर्ष को रोकने का मतलब उसे आराम के लिए वक्त देना होगा। उन्होंने कहा, समाज का मानना है कि सभी क्षेत्रों को पहले आजाद होना चाहिए, फिर हम इस पर बात कर सकते हैं कि क्या करना है। उधर रूस ने पिछले दिनों कहा था कि वो लड़ाई तभी रोकेगा जब यूक्रेन सरेंडर करेगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक राहत भरी खबर तब सामने आई जब शुक्रवार को रूस और यूक्रेन ने तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता कर लाखों टन यूक्रेनी अनाज, रूसी खाद्यान्न और खाद के निर्यात का रास्ता खोल दिया। फिलहाल रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में बढ़त मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरे इलाकों में हमले का दायरा बढ़ा रही है। वहीं यूक्रेन का खास फोकस उन इलाकों को फिर से हासिल करने पर है जो उसकी इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है।